नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खोरावार के डांगी पार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोद कर की हत्या। एसपी सिटी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें की गई हैं गठित। घटना का जल्द से जल्द किया जाएगा अनावरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, देश में जनसंख्या विस्फोट है, चिंताजनक। देश के कई हिस्सों में मतांतरण की चल रही है, साजिश गंभीरता से विचार करके सरकार को बनानी चाहिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। यम द्वितीया के दिन गुरुवार को सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ किया पूजन अर्चन। सामूहिक रूप से की गई कलम दवात की विशेष पूजा। कहा, सृष्टि के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखना है भगवान चित्रगुप्त का काम। लक्ष्मी और गणेश जी के स्थापित मूर्तियों का गुरुवार को किया गया विसर्जन। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाघागाड़ा फोर लेन के पुल से श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का किया विसर्जन। एसपी सिटी ने कहा, बिना किसी घटना या समस्या के लोगों द्वारा किया जा रहा है मूर्तियों का विसर्जन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भैयादूज अन्नकूट का त्यौहार। बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने की गई कामना। और आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने राप्ती नदी स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, नदी का जलस्तर बढ़ने से जमा कीचड़ को कराया जा रहा है साफ, ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार का ना करना पड़े दिक्कतों का सामना। अब खबरें विस्तार से। खोराबार के डांगी पार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल पर हंगामा कर रहे परिजनों को कोतवाली पुलिस ने शांत कराया। डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी परिवार वाले शहर के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। हालांकि बाद में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बेलीपार के महावीर छपरा निवासी राजकिशोर वर्मा का बेटा 22 वर्षीय विक्की वर्मा खोराबार के डांगी पार में रहता था। पिता पुत्र बर्तन का कारोबार करते थे। डांगी पार में लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बुधवार की रात में नाचते गाते गाजे बाजे के साथ लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए राप्ती नदी की तरफ ले जा रहे थे। घर वालों के मुताबिक विक्की वर्मा बंधे की तरफ टहलने गया था। विसर्जन में जा रहे कुछ मनबड़ युवकों से किसी बात को लेकर विक्की से विवाद हो गया, जिसके बाद मनबड़ों ने चाकू से उसे गोद दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल विक्की को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्की के शरीर पर चाकू के कई वार किए गए थे। फिलहाल मृत घोषित कर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव को मोर्चरी में रखने की कोशिश की, तो साथ आए लोग हंगामा करने लगे। वह जबरिया उसे लेकर जा रहे थे। डॉक्टरों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी साथ आए लोग जिंदा होने की बात कहते हुए विक्की के शव को शहर के एक नर्सिंग होम में ले गए। हालांकि बाद में मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके संबंध में एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबार थाना के अंतर्गत डांगी पार एक व्यक्ति विक्की वर्मा को अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई तथा चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। सीसीटीवी एवं सर्विलांस के आधार पर पता किया जा रहा है, जिसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। सर्विलांस एसओजी थाना रामगढ़ताल एवं थाना खोराबार के सहयोग से इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण किया जाएगा तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मृतक के भाई व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
जी हत्या हुआ सर, विक्की कुमार मेरे भाई। क्या वजह थी हत्या की? कोई वजह नहीं थी, वैसे वो गया था, उसके बाद उसको पता चला तो चाकू से मार के हत्या कर दिया गया। कहाँ गए थे? विसर्जन करने। विसर्जन थाना कल की घटना है ये, कल 8:30-9 के बीच में। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? ये तो नहीं पता है, लेकिन एक आदमी का पता है, माखन निषाद। और बाकी कितने लोग थे? बाकी लमसम 5-7-10 लोग और थे। तो आपने लिखित किसकी शिकायत की है थाने पे? जी दो लोग को किया गया है, अभी कोई ना उसकी गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुआ है। आप लोग खाली आश्वासन दे रही है कि 2 घंटे में पकड़ी जाएगी, 3 घंटे में पकड़ी जाएगी, 4 घंटे में। हमारी डेड बॉडी तभी जाएगी जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। कितना देर हो गया अभी तक? ये 20 घंटे हो गए। अभी तक कोई पकड़ा गया या नहीं? अभी कोई नहीं, किसी को पकड़ाया गया तो उसको छोड़वा दिया गया। क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। आपका क्या नाम है? सिकंदर वर्मा। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? खोराबाद थाना। घटना कहाँ हुई थी? डांगी पर ढाले पे। डांगी पर ढाले पे। क्या वहाँ शराब वराब पी जाती है? जी पी नहीं रहे थे, उधर गए थे वो विसर्जन करके आ रहे थे वो। अच्छा वहाँ क्या शराब वराब पीते हैं? हाँ उधर शराब की दुकान है, वो भी डुहिया की शराब की दुकान है, डांगी पर में खुला है, वो भी गलत है। वो उसको भी शिकायत हम कर चुके हैं कि उसको खुलना चाहिए डुहिया ढाले पे, तो खुल रहा है डांगी पर ढाले पे, वो गलत है कि नहीं गलत है? वही उसकी स्कूल है, लड़कियां बच्ची सब पढ़ गए। विधायक जी ने खाली आश्वासन दे रहे थे, बॉडी जलाइए बॉडी जलाइए, बॉडी आएगा चल जाएगा। कार्रवाई चल रही है, ये भी आपको हो सकता है 24 घंटे में ही आ जाए। तो लगे हुए हैं उसमें से, अभी तो तीन नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन और भी उसमें लोग नहीं जा रहा, समझाया जा रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मिट्टी है एक तरह से, और हम लोग पहले दाह संस्कार कर लें, फिर आगे प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। पूरी टीम लगी, 5 टीमें पुलिस और विभाग की काम कर रही है, और जिले के आधार पर और मुख्यमंत्री जी का जिला इस तरह से मुख्यमंत्री जी की ऊपर वंचित वाली तो अलग विषय है, अचानक हो गई, इसमें कार्रवाई करेगा और जम करके जो भी कोई बक्सा नहीं। गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत डांगी पार गांव में कल शाम को एक व्यक्ति विक्की वर्मा, जो कि शराब की दुकान के बाहर खड़ा था, उसके साथ 4-5 अन्य अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई एवं कुछ जगह पर चाकू लगने से उसकी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। जो अभियुक्त हैं उनका CCTV के आधार पर एवं सर्विलांस के आधार पर पता करवाया जा रहा है। पता रसी सुराग्रसी के माध्यम से भी इसमें 3 टीमें गठित की गई है, SOG सर्विलांस की टीम एवं थाना रामगढ़ ताल एवं थाना खोराबार सब लोग लगे हैं। इस घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। थैंक यू।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक प्रयागराज मुख्यालय में हुई, जिसमें 2024 के अंत तक हिंदुस्तान के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रांतों में यह कार्य चुनिंदा मंदिरों में 99% तक पूरा कर लिया गया है। चित्तौड़, ब्रज व केरल प्रांत में मंडल स्तर पर चल रही है। पहले देश में 54,382 संघ की शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में 61,045 शाखाएं चल रही हैं। साप्ताहिक मिलन में भी 4,000 और मासिक संघ मंजिली में विगत एक वर्ष में 1,800 की बढ़ोतरी हुई है। गोरक्ष प्रांत में भी शाखा में वृद्धि हुई है। गोरक्ष प्रांत में संगठनात्मक दृष्टि से 21 जिले हैं, जिसमें 1,520 मंडल, 147 खंड व 77 नगर हैं। उनमें से 901 मंडल, 147 खंड व 77 नगर शाखायुक्त हैं। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है और विचार करके सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। मतांतरण होने से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। देश के कई हिस्सों में मतांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो रही है। जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आई है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसमें देश भर के 3,000 युवक शताब्दी विस्तारक के रूप में निकलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की जनसंख्या 3.4% से कम होकर 1.9% हो गई है। इसके चलते भारत में एक ऐसा समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होगी। यह चिंताजनक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, उनको इस विषय पर विस्तार से वार्ता की गई और फिर आपके साथ बैठ कर उनको मंशा बताई गई। जी, उनको बताया गया कि ये निर्णय हुए इसको कैसे क्रियान्वित करना। कोई टीम भी बनाई गई अभी पर्टिकुलर कुछ काम के लिए? कुछ लोग हम लोगों की तो टीम रहती है, जैसे टोली बैठी है, हम लोगों की एक टोली रहती है। एक हम लोग 2025 तक हमारा 1700 वर्ष होता है तो हम हर गाँव में हमारा कार्य पहुँच जाए किसी रूप में पहुंचे, चाहे मिलन के रूप में, चाहे मंडली के रूप में, किसी न किसी रूप में, संपर्क के रूप में। हमारा संपर्क प्रत्येक गांव में होना चाहिए। ये देश की सरकार भी कभी कभी दबाव में काम करती है, जब जनता चाहेगी तो सरकार को इस काम को करना पड़ेगा ना। उसी समाज विसरण के लिए समाज में इस विषय को हम लोग अपने माध्यम से बता रहे हैं और सरकार को भी सपोर्ट चाहिए ना, केवल आलोचना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय सह प्रांत संचालक जी डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, यहाँ पर उपस्थित संपर्क प्रमुख डॉक्टर संजीत कुमार एस गुप्त जी और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दीपावली की और छठ की बधाई दे रहा हूँ। हम लोगों की दो निर्णायक इकाइयाँ बैठकें होती हैं, एक तो कार्यकारी मंडल है और एक प्रतिनिधि सभा है। प्रतिनिधि सभा बड़ी इकाई है, वह मार्च में बैठती है। कार्यकारी मंडल हमेशा दीपावली के आसपास बैठती है। उस बैठक में कुछ प्रस्ताव तैयार होते हैं, कुछ निर्णय लिए जाते हैं और उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा होती है। गुणवत्ता की भी चर्चा होती है कि कैसे किया जाए। तो संघ की जो कार्यकारिणी सभा थी उसमें कुछ 2024 से हम लोगों का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है तो शताब्दी वर्ष के संदर्भ में कुछ योजनाएं थी जिनका प्रारूप प्रस्तुत किया गया। दो दिन तक तो उस पर बहस होती रही। वो प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति पाने के बाद ही हम सभी लोगों के समक्ष आ पाएगी। कुछ और भी विषय थे जिसमें हम लोगों का गुणात्मक कैसे शाखाओं की वृद्धि हो, कैसे कार्य हो, उसके अलावा कुछ और विषय पर गतिविधियों के विषय पर चर्चा की गई और जनसंख्या नियंत्रण पर जिस पर परम पूजनीय सर संचालक जी ने दो अक्टूबर विजयादशमी के दिन जिस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी थी उस पर प्रतिनिधियों के सामने बात रखी गई और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में यह बताया गया कि यह एक पक्षीय नहीं बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर हमें इस पर विचार करना चाहिए। एक तो पक्ष है जिसमें समस्या ये आती है कि वृद्धजनों की संख्या अगर बढ़ेगी, युवकों की संख्या कम होगी तो भी हमारे सामने एक समस्या है। दूसरी समस्या ये आई कि संसाधनों की कमी हो रही है बड़ी तेज़ी से और संसाधनों की कमी के नाते जनसंख्या जिस तरह से
तेज़ी से बढ़ रही है, वो हम चीन की आबादी का टक्कर ले रहे हैं या उससे आगे जाने वाले हैं, उस पर भी एक विस्तृत तौर पर विचार होनी चाहिए। दूसरा विषय इसके साथ यह था कि नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है असम और बंगाल जैसे प्रांतों में, हिंदुओं की जो प्रोपोर्शन है आबादी का वो घटता जा रहा है, 61% असम में मुस्लिम पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, नए बच्चे जो हो रहे हैं, और 31% हिंदुओं के बच्चे हो रहे हैं, ये स्थिति केरल में भी है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ भी एक समस्या है। उत्तरांचल और हरियाणा जहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है वहाँ पर भी उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर लगता है कि कम हो जाएगी। तो एक समस्या डेमोग्राफिक चेंज के कारण भी परिवर्तन आता है। हमने देखा कि एक सीरिया है जहाँ पर ईसाइयों और मुसलमानों में निरंतर विवाद होता रहता है, फिर एक सर्बिया से अलग होकर के कोसोवा बना जहाँ मुसलमानों के नाते उसको अलग देश बनाना पड़ा, उगांडा में भी दो देश बने, एक उत्तरी उगांडा एक दक्षिणी उगांडा, इंडोनेशिया जो एशिया में पड़ता है उसके एक हिस्से को काट करके उसको भी एक अलग ईसाई प्रदेश एशिया में बनाया गया है। तो ये एक समस्या उभर रही है, भारत को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए क्योंकि वह भुक्तभोगी है। 1947 में भारत दो देशों में बना, पाकिस्तान जो जनसंख्या के आधार पर बना, तो ये भी एक समस्या है। तो इन सारी समस्याओं पर हमें विस्तृत विचार करना चाहिए, स्त्री पुरुष की संख्या में विचार करना चाहिए। एक तो जो फर्टिलिटी रेट है वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है, हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.9 पर आ गई है, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3% पर है, तो ये निरंतर बता रहा है कि हम लोगों की जनसंख्या थोड़ी कम होती जाएगी। इसलिए जनता को जागरूक करके आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे जनसंख्या पर संतुलन और नियंत्रण रखा जाए, ये विषय आता है। समापन में अभिभाषण में परम पूजनीय सर संचालक जी ने यह बताया कि हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और उसके संदर्भ में बड़ी संख्या में जो विस्तारक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको निकालना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा और संघ के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष हम लोगों के लिए मूल्यांकन का, अपनी कार्य की वृद्धि का एक सुअवसर प्रदान कर रहा है। इन्हीं सभी बातों पर वहाँ पर जो विचार हुआ, हम लोग प्रतिनिधि सभा कार्यकारी मंडल के बाद ये लगातार सदैव करते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के बाद पत्रकारों के माध्यम से जनता को जागृत करने का, उन विषयों को विषय में बताने का एक प्रस्ताव रखते हैं। आप यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, हम उसकी अपनी तरफ से आपको बधाई प्रदान करते हैं। कायस्थ समाज के लोगों ने बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर यम द्वितीया के दिन गुरुवार को चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन आरती व हवन किया तथा सामूहिक कलम दवात की विशेष पूजा भी की गई। आपको बता दें कि सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने विभिन्न देवी देवताओं व श्री चित्रगुप्त जी के अनेकों नाम को अंकित कर लिखित पत्रों को भगवान चित्रगुप्त जी के प्रतिमा के समक्ष अर्पित किया। पूजा करने आए आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि यह पूजा चित्रगुप्त भगवान की होती है जिसमें चित्रांश समाज के लोग कलम की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन से ही कलम को पकड़ते नहीं हैं। कलम की पूजा हो जाने के बाद कलम को छुआ जाता है। उन्होंने बताया कि कलम का हम लोग के समाज में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। श्रीवास्तव लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बुद्धिमानी के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए श्रीवास्तव समाज कलम की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त महाराज के सामने अपनी कोई मनोकामना लिखकर चित्रगुप्त भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। वहीं चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। उनकी काया से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मांड है, वर्णों में उन्हें कायस्थ कहा जाता है। इस बाबत ब्रह्मा ने कहा था, तुम मेरे चित्त में गुप्त थे, अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। सृष्टि के प्राणियों का लेखा जोखा रखना तुम्हारा काम होगा। चित्रगुप्त यमराज के दरबार में चले गए और यमराज के कार्यों में सहयोग करते हैं, इसलिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज के साथ चित्रगुप्त पूजन का भी विधान होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आए आदित्य श्रीवास्तव एवं ट्विंकल और चित्रगुप्त मंदिर महासभा के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने कहा, Yeah.
जिसमें आता है गोरख न्यूज, गोरखपुर न्यूज पेपर। अदिति श्रीवास्तव, ये श्रीवास्तव लोगों की पूजा होती है चित्रगुप्त महाराज की, जिसमें हम लोग कलम की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन से हम लोग कलम छूते नहीं हैं, दो दिन हम लोग कलम नहीं छूए, उसके बाद आज जब पूजा हो जाती है तब हम लोग अपनी कलम छू सकते हैं। क्या बात होता है इस पूजा का महत्व ये होता है कि हमारे जो चित्रगुप्त महाराज जी हैं, हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि पेन का हम लोग को बहुत महत्व होता है। हमारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, श्रीवास्तव लोगों को पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग हमेशा कलम की पूजा करते हैं। इस दिन क्या लिखा जाता है इस पर? लिखा जाता है जैसे चित्रगुप्त महाराज के बारे में, भगवान के बारे में ध्यान दिए जाते हैं, अपनी कोई विश होती है वो हम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, क्या हम कर रहे हैं वो लिख के उनको उनके पैर पे हम लोग रख देते हैं। मेरा नाम है ट्विंकल। पूजा तो बहुत अच्छी लगी, हम तो पहली बार ही आए हैं पूजा में, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सारा इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो क्या लिखा जाता है इस पे? अपने इष्ट देवता का नाम लिख सकते हैं, और उसमें आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है अपना नाम लिख लें, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी जो भी आपको मंत्र आते हैं वो लिख सकते हैं उसमें। कलम दवा की पूजा क्या महत्व है? अब हमारे लिए तो पढ़ाई ही है, तो हम तो इसीलिए आए थे कि हमारी पढ़ाई वगैरह जो भी है सब अच्छे से हो जाए। मैं सत्यव्रत नाथ श्रीवास्तव, अध्यक्ष चित्रकूट, श्री चित्रकूट मंदिर सभा गोरखपुर। इसलिए भगवान चित्रकूट की पूजा यम द्वितीया के दिन क्यों रखी जाती है, ये
चरितार्थ और कहावत है कि भगवान राम अपने यहाँ शुभकामना है तो उन्होंने इकट्ठा किया था लोगों को, लेकिन उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को बुलाना भूल गए और पुनः जब भगवान चित्रगुप्त जी नहीं पहुँचे तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं आए। उन्होंने बताया कि उनको इनविटेशन नहीं गया था, क्योंकि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, इन्होंने लेखनी बंद कर दी थी और उस लेखनी बंद करने के कारण ब्रह्मांड में पूरा हाहाकार रहा। फिर उन्हें पुनः बुलाया गया और उनसे क्षमा मांगी गई। तब से यमद्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और लेखनी कायस्थ सभा लेखनी की पूजा करता है। क्या महत्व होता है चित्रगुप्त भगवान की ये पूजा जो है हमारे सिर्फ कायस्थ ही नहीं करता है, सारे धर्म के लोग करते हैं। और भगवान चित्रगुप्त की पूजा किसी कोई ब्राह्मण भी अगर है तो ब्राह्मण भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता है और कायस्थ को ब्राह्मण से भी दान लेने का अधिकार है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खोराबार के डांगी पार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोद कर की हत्या। एसपी सिटी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें की गई हैं गठित, घटना का जल्द से जल्द किया जाएगा अनावरण। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा देश में जनसंख्या विस्फोट है चिंताजनक, देश के कई हिस्सों में मतांतरण की चल रही है साजिश, गंभीरता से विचार करके सरकार को बनानी चाहिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। यमद्वितीया के दिन गुरुवार को सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ किया पूजन अर्चन, सामूहिक रूप से की गई कलम दवात की विशेष पूजा, कहा सृष्टि के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखना है भगवान चित्रगुप्त का काम। लक्ष्मी और गणेश जी के स्थापित मूर्तियों का गुरुवार को किया गया विसर्जन। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाघागाड़ा फोर लेन के पुल से श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का किया विसर्जन। एसपी सिटी ने कहा बिना किसी घटना या समस्या के लोगों द्वारा किया जा रहा है मूर्तियों का विसर्जन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भैयादूज अन्नकूट का त्यौहार। बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने की गई कामना। और आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने राप्ती नदी स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण, कहा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमा कीचड़ को कराया जा रहा है साफ ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार का ना करना पड़े दिक्कतों का सामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली त्योहार के अवसर पर महानगर में 583 और जनपद में करीब 2800 लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी जिनका विसर्जन गुरुवार को किया गया। आपको बता दें कि बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया था, लेकिन पानी कम हो जाने के बाद भी वहाँ पर दलदल जैसी स्थिति बनी है, जिसको देखते हुए बाघागाड़ा फोर लेन पर श्रद्धालुओं ने गाना बजाने के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सभी मूर्तियों का विसर्जन किया। जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि महानगर में 583 एवं जनपद में 2800 लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई थी। कुछ मूर्तियां बुधवार को ही विसर्जित हो गई थी। गुरुवार को आरएएफ पीएससी गोरखपुर पुलिस एवं गोताखोर की टीम लगाई गई है ताकि बिना किसी घटना और समस्या के लोग मूर्ति विसर्जन कर सकें। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा के लिए सामान खरीदारी करने के लिए बाजार में निकलते हैं उन्हें ट्रैफिक से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज योगेश्वर सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा Thank you.
लक्ष्मी मैया की अपने इधर आई मोबाइल इधर आई बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो जय लक्ष्मी। एकदम सीधा जा रही है ये देखो उल्टी दिशा में जा रही है उल्टी दिशा में जा रही है फिर अपने घर की तरफ जा रही है जा रही है ये देखिए चूँकि इस समय बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एक फोर्स इसलिए पूरा डिप्लॉय किया गया है कि जो साइड में पानी गया हुआ है जो तालाब कृत्रिम तरीके से बन गए हैं वहीं पे विसर्जन पूरा कराया जाए। आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे नाव भी लगाई गई है तैराक भी लगाए गए हैं जिससे कि जो भी मूर्ति उस साइड में जा रही है उसको किनारे करके वो निकाल ले रहे हैं बाहर और पूरा फोर्स लगाया गया है जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। शहर क्षेत्र से 583 मूर्तियाँ एवं पूरे जनपद में करीबन 2800 मूर्तियाँ विसर्जित होनी हैं उनमें से 60% के करीबन मूर्तियाँ कल विसर्जित हो गई थी एवं आज भी RAF PAC एवं जनपद पुलिस की टीमें एवं गोताखोरों की टीमें भी लगी हैं ताकि बिना किसी घटना या समस्या के लोगों का मूर्ति विसर्जन हो सके एवं जो छठ पूजा के लिए भी जो लोग बाहर निकले हैं उनको भी किसी प्रकार ट्रैफिक का सामना न करना पड़े इसके लिए ट्रैफिक की टीमें भी लगाई गई हैं। थैंक यू। गोरखपुर में गुरुवार को भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर भैयादूज अन्नकूट बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यम को खुश करने के लिए बहनों ने पूजा की वहीं व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान करने के बाद पहले अक्षत चावल से गणेश आदि की स्थापना की। इसके बाद गणेश पूजन यम फिर यम दूतों का पूजन किया। पूजन के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत भी बनाया गया। पूजन करने आई महिलाओं ने बताया कि भाई दूज का पर्व भाई बहनों के पवित्र प्यार का पर्व है। इस दिन बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने के लिए वह गोवर्धन की पूजा करती हैं। उन्होंने कहा कि सुबह से ही बहनों के द्वारा भाइयों को श्राप दिया जाता है। इसके बाद हम लोग पूजा अर्चना कर गोधन कूटते हैं। गोधन पूजा में गोबर से चौकोर आकृति बनाई जाती है जिसमें यमलोक के प्राणियों की प्रतिमूर्ति भी बनाई जाती है। ऐसा करने से यम भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कुटाई करने से यमलोक के निवासी यम भाग खड़े होते हैं। यम की कुटाई करने के बाद मूसल को रख कर भाई को पार कराते हैं और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। भाई दूज में अपने भाइयों को चना लौंग इलायची और सुपारी प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोवर्धन पूजा करने आई गीतांजलि नेहा गुप्ता एवं श्वेता चौहान ने कहा Thank you.
सरता चौंक आज के दिन भाई के लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। इसमें भाई बहन का एक प्यार है, महत्व है। किस तरह से पूजा करते हैं, क्या क्या इसमें लगता है, पूरा क्या किस विधि विधान से पूजा करते हैं? ये सुबह से हम लोग व्रत रहते हैं, कुलिया ले आते हैं पांच तरह का, सब में चावल लाव भूजा चना सरसों सब भरते हैं, मिठाई लेते हैं, काटा पुसा लेते हैं, दे करके पूजा किया जाता है। भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा किया जाता है। पान कसैली पूजा जाता है जी, पान कसैली पूजते हैं इसको भाई को खिलाने के लिए कि भाई हमारा खाएगा और उसकी लंबी आयु होगी। मेरा नाम गीतांजलि है। गोवर्धन की जा रही है, भैया दूज भाई के लिए ही होता है। बहनें रहती हैं, अपना गोबर से अपना बनाती हैं, फिर अपना कहानी होता है, फिर आयु जोड़ा जाता है, फिर 500 पाड़ी जो होता है, 500 पाड़ी चना कूट कर खिलाया जाता है भाई को, और मिठाई ही है जो भी हो। क्या महत्व होता है इसके लिए? महत्व ये होता है कि भाई की लंबी उम्र के लिए लोग रहते हैं व्रत। नेहा गुप्ता, यहाँ पे गोवर्धन बाबा जी की पूजा की जा रही है। किस भी देवी धाम से ये पूजा करें, क्या इसमें लगता है? इसमें काटा कुशा और मिठाइयाँ, फूल माला ये सब, बस भाई की पूजा होती है भाई की लंबी उम्र के लिए। क्या महत्व होता है, क्या मान्यता होती है? इससे ये होता है कि पूजा से बहन अपने भाई के लिए व्रत रहती है लंबी उम्र के लिए, ये महत्व है। आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने गुरुवार को राप्ती नदी स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से डूब गया था, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी एवं कीचड़ जमा हो गया है, जिसे पोकलेन या JCB लगाकर हर हाल में मिट्टी को हटवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर लोगों की सुरक्षा के लिए दोनों घाटों पर पानी के अंदर बैरिकेडिंग कराने के लिए जोनल अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा राम घाट एवं गोरखनाथ घाट पर श्रद्धालुओं के लिए लाइट की समुचित व्यवस्था कराने के लिए सहायक अभियंता पथ प्रकाश को भी निर्देशित किया गया है। नगर निगम द्वारा छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की पूजा के लिए 3 स्थानों पर राम घाट, गोरखनाथ घाट एवं लाल डिग्गी पार्क को तैयार किया जा रहा है, जहां पर लोग आकर छठ पूजा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन घाटों को रंग बिरंगे कपड़े एवं लाइटों से पूरी तरह सजाया जाएगा तथा नगर निगम का पूरा प्रयास रहेगा कि यहां पर आए भक्तजनों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, जोनल अधिकारी ND पांडे एवं पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, घंटा कहाँ है? सर सुरतखाब राम, सामने वाले पे जी सर, लाओ सर।
अभी 10 आदमी क्या ऐसे अवसरों को वही कल देखिए उसे हरिलाल वो नहीं बोल रहे थे कि हम अगल बगल के जून से भी बुला लेते हैं तो आप भी बुलाइए क्या एकदम भारत पाकिस्तान बना रखा है क्या 10 बजे के बाद बोला गया कि नहीं लड़की किसका पड़ेगा तो लड़की वहाँ के और लोगों को बुलाओ इससे सटा हुआ जून किसका किसका है अकेला ही देखो झाड़ू लगा रहा तब से हेलो जैसा कि आपके संज्ञान में है कि 28 तारीख से जो छठ का पर्व है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी और गोरखपुर शहर में गोरखपुर जनपद में जो ये छठ का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की कुछ जो एक धार्मिक भावनाएं थी वो कई पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पाई। इस बार जो देखने में आ रहा है कि जितने भी त्यौहार पड़ रहे हैं चाहे वो विजयदशमी का त्यौहार रहा हो दीपावली का त्यौहार रहा हो गोवर्धन पूजा रही लोग अपने पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ उस त्यौहार को मना रहे हैं और उसी की तरह से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो छठ का पर्व है इस बार का जो पर्व है ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाए। आज हमारे यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित पार्षद जी संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं जो हमारे नोडल ऑफिसर एक्सीएन पांडे जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद पूरी टीम यहाँ पर है और हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारी सभी लोग माताएँ बहनें अपने परिवार के साथ यहाँ पर छठ का पर्व मनाने आएंगे जो कि 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगा तो हम लोग नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना होने पाए। ये बात ज़रूर है कि चूँकि इस बार एक कह सकते हैं कि दीपावली के सीजन तक जो बाढ़ रही है उसकी वजह से नगर निगम का काम काफ़ी टफ हो गया है लेकिन नगर निगम के सारे सफाई कर्मचारी और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग हैं पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और इसको निश्चित रूप से उनको कल जो हम लोगों ने बैठक किया था 28 तारीख की शाम तक ये कोशिश था कि पूरी तरह से इसको हम लोग तैयार कर लें तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी हो जाएगी और हम सभी लोग मिलकर पूरे धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर जो यहाँ छठ पर्व है उसको मनाएंगे। सर घाट को किस तरह सजाया जाएगा? देखिए पूरे घाटों को अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उनसे सजाया जाए एक भव्य गेट बनाया जाए साथ साथ यहाँ पर चारों उसके घाट के किनारे बैरिकेडिंग कर दी जाए जिसके इसमें लिखा रहेगा कि उसके आगे आपको नहीं जाना है तो ये सफाई चूने और उसका बाकी जो जहाँ पानी उतरा है चूना और मेल्थियान के घोल का छिड़काव होगा लगातार फॉगिंग होती रहेगी जिससे किसी प्रकार लाइटिंग पूरी ज़बरदस्त यहाँ पे लाइटिंग रहेगी और लाइटिंग ऐसी व्यवस्था रहेगी कि लोग जो घाट के किनारे भी पूरी तरह से प्रकाश रहेगा जिससे कि अर्ली मॉर्निंग और रात के समय जो लोग यहाँ पाएंगे उन भक्तजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। खोराबार के डांगी पार में बुधवार की रात करीब 9:30 बजे मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मनबड़ों ने एक बर्तन व्यापारी की चाकू से गोद कर की हत्या। एसपी सिटी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें की गई हैं गठित। घटना का जल्द से जल्द किया जाएगा अनावरण। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा देश में जनसंख्या विस्फोट है चिंताजनक। देश के कई हिस्सों में मतांतरण की चल रही है साजिश। गंभीरता से विचार करके सरकार को बनानी चाहिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। यम द्वितीया के दिन गुरुवार को सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ किया पूजन अर्चन। सामूहिक रूप से की गई कलम दवात की विशेष पूजा। कहा सृष्टि के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखना है भगवान चित्रगुप्त का काम। लक्ष्मी और गणेश जी के स्थापित मूर्तियों का गुरुवार को किया गया विसर्जन। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाघागाड़ा 4 लेन के पुल से श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का किया विसर्जन। एसपी सिटी ने कहा बिना किसी घटना या समस्या के लोगों द्वारा किया जा रहा है मूर्तियों का विसर्जन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भैया दूज अन्नकूट का त्यौहार। बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने की गई कामना। और
आगामी छठ पर्व के दृष्टिगत गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने राप्ती नदी स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई कराए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, नदी का जलस्तर बढ़ने से जमा कीचड़ को कराया जा रहा है साफ, ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार का न करना पड़े दिक्कतों का सामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।